बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शख़ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। डे इज़ 24 अगस्त 2020 एंड द डे इज़ मंडे एंड स्टूडेंट्स योर डायरी इज़ एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन 1-7 फॉर प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट Exercise 7.5, which is about geometric mean. Question number 1, find geometric mean between 9 and 5. First of all, आपके पास question है कि आपने geometric mean find करना है and हमारे पास जो है वो क्या है, दो numbers given है, 9 and 5 है, और इनका आपने geometric mean find करना है। ठीक है, ए आपके पास आपने ले लिया। जो geometric mean का formula होता है वो होता है geometric mean is equal to plus minus under root ए बी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है कि ये नंबर्स आपके पास क्या है, गिवन है, एक ए है और एक बी है। आपने लेट कर लिया कि ए जो है वो 9 है और बी आपके पास क्या है, 5 है। ठीक है, अब आपने ए और बी की जगह पे वैल्यूज़ पुट की, फिर आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 9 और 5 45 आ गया आपके पास। 45 का मैंने एलसीएम लिया। ठीक है, अगर तो परफेक्ट स्केयर है तो वो आपके लिए ईजी है कि जैसे 36 आ जाता, परफेक्ट 64 आ जाता। ठीक है, वो परफेक्ट स्केयर है, वो तो आप इजीली ले सकते हो। अब जहाँ भी इस तरह से नंबर है कि ये 45 जो है वो परफेक्ट स्केयर नहीं है किसी नंबर का, तो आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, जब मैंने एलसीएम लिया तो 3 दो दफ़ा आया और 5 एक दफ़ा आया आपके पास। ठीक है, तो मैंने 3 का स्केयर लिख लिया और मल्टीप्लाई 5, स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, इस वजह से 3 जो है वो अंडर रूट के बाहर आ गया और 5 जो है वो अंडर रूट के अंदर आ गया आपके पास। तो ज्योमेट्रिक मीन 9 और 5 का आपके पास आ गया है 3 अंडर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 16। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें तो आपके पास दो नंबर से आपने फाइंड करना था उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंसर्ट करें इनके दरमियान, यानी कि इनके दरमियान में है जो ज्योमेट्रिक मीन है, 3 नंबर्स हैं इनके दरमियान में, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं जो कि आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, इनका ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकालना, इनके दरमियान में जो 3 ज्योमेट्रिक मीन है वो आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आपने लेट कर लिया है कि G1, G2, G3 आपके पास क्या हैं, 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं 1 और 16 के दरमियान। ठीक है, सच डैट जो 1 है और 16 ये तो लास्ट है, उनके दरमियान में G1 है, G2 है और G3 है। ठीक है, आपको पता है कि जो फार्मूला है हमने प्रीवियस में भी एक एक्सरसाइज में यूज़ किया था, ये वाला AN = AR(n-1)। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन का आपके पास फार्मूला है, ज्योमेट्रिक की बात होगी तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म में A = आपके पास 1 है और n 1 2 3 4 5 जितनी टर्म्स हैं n जो है वो होते हैं हमारे पास, तो ये टोटल 5 टर्म्स हैं, तो n आपके पास क्या है, 5 है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे होता है आपके पास ये 1 2 3 4 5th टर्म आपके पास क्या है, 16 है, यानी कि A5 जो है वो आपके पास क्या है, 16 है आपके पास। ठीक है, अब AN = AR(n-1) इसमें वैल्यूज़ पुट की, मैंने n की जगह पे 5 लिखा, a की जगह पे जो वैल्यू 1 थी वो लिखी, R(n-1) 5-1 लिखा मैंने, R = 4। ठीक है, और A5 आपके पास क्या है, 16 है। ठीक है, अब R(5-1) 4 हुआ, R4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, R4। ठीक है, अब यहाँ पे R(4) = मेरे पास 16 आया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि 16 का भी एलसीएम लिया, तो मेरे पास क्या आया, 2 की पावर 4। अब 4 और 4 ऊपर दोनों 4-4 आ गए हैं मेरे पास, तो आपके पास पावर सेम है तो बेसिस आपके पास R = 2 है। ठीक है, आप बेशक 1/4 ले लें, दोनों तरफ 1/4 का रूट लेंगे तो भी आपके पास अब 4-4 कैंसिल होगा, R की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अगर डायरेक्ट कर लेंगे आपके पास पावर सेम है तो जो R की वैल्यू है वो आपके पास 2 आएगी। अब जो G1 का फार्मूला है वो है A(r)। ठीक है, और A की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, और R की वैल्यू भी हमने फाइंड की है जो कि आपके पास 2 है, तो 1 × 2 और इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 2। ठीक है, G2 का जो फार्मूला है वो G1 × R, G1 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम 2, और R की वैल्यू जो फाइंड की थी 2 आपके पास है, तो 2 × 2 = 4 आ गया। और इसी तरह से G3 जब आपने निकालना है तो G2 × R। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 4 आपने G4 फाइंड करनी है, तो G4 जब आपने फाइंड करना है तो G4 = G3 × R आ जाएगा आपके पास। सो 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 16 आर 2, 4 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज 6 एंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम इज 10, फाइंड नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का आपके पास गिवन है वो है 6, और अर्थमेटिक मीन इन्हीं नंबर्स का आपके पास क्या है, 10 है, तो आपने वो नंबर्स फाइंड करने हैं कि ऐसे नंबर्स
जिनको जिनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें तो 6 आए, और अगर अर्थमेटिक मीन फाइंड करें तो आपके पास 10 आए। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखा इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास था 6, आपने वो लिखा और ए बी ऐसे ही, ठीक है। मैंने ए बी को अंडर रूट रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्केयर लिया, तो ए स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 36 इज इक्वल टू ए बी आपके पास आ गया। अब अर्थमेटिक मीन 10 था, आपने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिखा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी अवर 2। अर्थमेटिक मीन आपके पास 10 था और ए प्लस बी अवर 2 आपने ऐसे लिखा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 10 2 20, ए प्लस बी आपके पास आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 आ गया। अब ये जो इक्वेशन थी जो ज्योमेट्रिक से आई थी वो आपके पास क्या बन गई, 1, और जो अर्थमेटिक से आएगी वो थी आपके पास 2। अब जो इक्वेशन 2 है इससे मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू सेपरेट की है, आप किसी की भी ए की या बी की वैल्यू आप इसमें से निकाल लें, ठीक है। वो फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, कौन से नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक मीन आता है, ठीक है, 6 और 10। 20 आपने ये इधर ले गए और इक्वल की दूसरी तरफ प्लस हो रहे थे, माइनस आ गया, 20 माइनस ए इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू आ गई 20 माइनस ए, ठीक है। अब बी की वैल्यू डालें इसमें 36 ऐसे ही आपके पास आ गया, बी की जगह पे मैंने लिखा 20 माइनस ए और ए आपके पास ऐसे ही आ गया। अब ए मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, 20 ए माइनस ए को ए से किया, ए स्केयर आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ मैंने इक्वल के इधर ले आई हूँ, तो माइनस ए स्केयर इधर आके आपके पास प्लस ए स्केयर आ गया, 20 ए माइनस 20 ए और प्लस 36 आपके पास अपनी जगह पर आए, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ इधर ले आई हूँ तो ये इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, ठीक है। अब जैसे आप फैक्टर्स बनाते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आए, 36 आए, और आपके पास यहाँ पे प्लस 36 है, तो आपने ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 36 आए और प्लस करो तो 20 आए आपके पास, ठीक है। तो मैंने ये फैक्टर्स लिए हैं 18 और 2, ठीक है। सबसे पहले पॉसिबल पेयर्स लिख लें 36 के, एक आपके पास 6 6 36 होता है, एक 9 4 36, एक 2 18 36, तो 2 और 18 है, बाकी जितने भी पेयर्स हैं वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे 9 और 4 9 4 36 होता है, 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, 6 6 36 होता है तो 6 में 6 प्लस करेंगे तो 20 नहीं आएगा, 12 आएगा। यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस किया, आप यहाँ पे बेचक ए स्केयर माइनस बाई लिखिट ब्रैकेट में 18 18 प्लस 2 लिख लें, और फिर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस है, तो उन दोनों वैल्यूज़ के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, 18 ए और 2 ए के साथ आपके पास माइनस आ जाएगा। इन दोनों में से ए कॉमन लिया मैंने, ठीक है, और 2 और 36 में से 2 कॉमन लिया मैंने, तो a-18, अब a-18 दोनों में था, ये भी मैंने कॉमन ले लिया a-18, और पीछे आपके पास क्या रह गया a-2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब a-18 को भी 0 के इक्वल किया, a-2 को भी 0 के इक्वल किया, तो a की वैल्यू -18 इक्वल के 0 प्लस 18 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब a की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे आप इक्वेशन 3 में पुट करें, ठीक है, किसी में भी 2 में पुट करें, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की 18 और a की 2 पुट करेंगे आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैंने इक्वेशन 3 में पुट किया, ये इजीली आपके पास सॉल्व हो जाएगा, क्या b इज इक्वल टू 20 माइनस 18 है, b इज यहाँ पे 20 माइनस a था ना, तो a की जगह पे जब 18 है तो 20 माइनस a की जगह पे 18 लिखा तो b की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि जब a 18 होगा तो b आपके पास b की वैल्यू 2 होगी, यानी कि अगर एक नंबर 18 है तो दूसरा नंबर 2 होगा, और अगर अब दूसरी वैल्यू हम पुट करें इज इक्वल टू 2, तो 20 माइनस 2 पुट किया मैंने ए की जगह पे तो 18 आ गया, यानी कि या ए 18 होगा तो बी आपके पास 2 होगा, और अगर ए 2 होगा तो बी 18 होगा। नंबर्स जो है ना वो आपके पास क्या होंगे, 2 और 18 ही होंगे, चाहे वो ए 18 हो बी 2 हो या ए 2 हो बी 18 हो, ठीक है। तो जो नंबर्स हमने फाइंड करने थे वो कौन से, वो 2 और 18 आए आपके पास।